My name is Saad Khan. I am from Noida. I come here through the SRS Education Consultancy. तो आज हम जानेंगे इंदौर स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में. हमारे साथ जुड़ी है कीर्ति विश्वकर्मा. तो आप बताइए. हेलो, माय नेम इज कीर्ति विश्वकर्मा. आई एम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन इंडोनेशिया. द यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड एंड स्टडी इज आल्सो गुड. क्या तुम और भी लड़कियों को यहाँ पे आने के लिए रिकमेंड करोगी? यस, आई रिकमेंड इट ऑल द गर्ल्स हु तो मुझे ये बताया गया था कि मतलब यहाँ पे जो मतलब इंडियंस हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं आगे, वो लोग भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. लेकिन मेरी फैमिली इस बात को लेकर मतलब हमेशा परेशान रहती थी कि मतलब बच्चा पहली बार यहाँ यूपी से जा रहा है किसी दूसरे देश में, तो लोकल में वहाँ मतलब लोग कैसे होंगे, स्टूडेंट कैसे होंगे, यूनिवर्सिटी कैसी होगी. लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम जब से यहाँ आए हैं, अब सब सब होता है, तो हम अपनी फैमिली को ही भूल गए हैं. अभी यह हमारा वोकेशन चालू हो रहा है, लेकिन सच आपको बताएं तो हमारा इंडिया जाने का मन ही नहीं कर रहा. हम तो सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पहले सोचते थे कि अपने परिवार के बिना, अपने फैमिली के बिना हम वहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन अब सोचते हैं कि यहाँ पे जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इनके बिना. सुदीप, तो आप बताओ क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है एंड इधर टीचर्स मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड हॉस्टल की फैसिलिटी मस्त है एंड मेस का भी खाना परफेक्ट है. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाइक स्टूडेंट्स इधर आ सकते हैं. एंड इधर बाइलिंगुअल का कुछ रूल स्किल्स कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. हमारा हॉस्टल के पास में कॉलेज है और कॉलेज के पास में हॉस्टल है. एंड इधर लाइक लोकल एड्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं एंड बच्चों के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. मिस्टर शाहनवाज साहब, आप इंदौर स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है. यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सभी पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेक्चरर्स भी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है. आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको एमबीबीएस करने का ड्रीम है. हॉस्टल के बारे में क्या कहना चाहूँगा? हॉस्टल में बहुत ही अच्छा है, अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाती है. यहाँ पर खाने का मेस इंडियन फूड प्रोवाइड किया जाता है और सभी बेड वगैरह वो सभी अच्छी हैं. शहर के लोग, शहर के लोगों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है. यहाँ पर फ्रेंडली है, सभी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं. હું સુરતથી આવું છું. હું ઇન્દુ સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં ભણું છું. અહીંયાનું રહેવાનું, ભણવાનું અને શિક્ષકો બધી વસ્તુ સારી છે. હોસ્ટેલની સુવિધા પણ સારી છે અને અહીંયા ભણવાની સુવિધા પણ સારી છે. તમને અહીંયા મગાસ સિટીમાં આવી અને તેમનું કલ્ચર કેવું લાગ્યું, સિટી કેવી છે એના વિશે જણાવશો થોડું? અહીંયાનું જે મગાસ સિટી છે બહુ સારું છે, સેફ છે અને બહુ સરસ જગ્યા છે. અહીંયા સાંભળવામાં મળ્યું છે કે આ મગાસ સિટી છે એ છોકરીઓ માટે બહુ જ સેફ વાળી સિટી છે, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? મગાસ સિટી બહુ સેફ સિટી છે અને સ્ટ્રીટ બધી વસ્તુ સરસ છે. ઓકે, શું જો મેં મહારાષ્ટ્ર નાંદેડથી બિલોંગ કરતો હું. મને યુનિવર્સિટી કે બારે મેં થોડું ઇન્ટરનેટ દેખા જિસ પે બહુ સારી જાણકારી મિલી જિસે મેં સિલેક્ટ કિયા. ટોટલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ હૈ, ઇસમેં કોઈ બાયલિંગ્વલ ટાઈપ કી કોઈ ચીજ નહીં હૈ. ટીચર્સ બહુત કોઓર્ડિનેટિંગ હૈ. टीचिंग स्टाफ तुम्हें हर जगह हर समय हेल्प करें. मेरा नाम अमन यादव है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ. मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में वेबसाइट पता चला और यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी कोऑर्डिनेटिव और यहाँ का टीचिंग मीडियम ऑल इंग्लिश मीडियम है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा. हेलो, आपका नाम क्या है? सुरेश. आप कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ इंदौर स्टेट यूनिवर्सिटी में आने कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब इट्स सेफ एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे सपोर्टिव नॉलेज. और हॉस्टल कैसा लगा आपको? क्लीन है, अच्छा है और अफोर्डेबल भी है. जैसे कि आप एक लड़की हो तो आप चाहोगी कि और भी लड़के यहाँ पे आए? हाँ, यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी है और बहुत सारी सिक्योरिटी भी है तो आ सकते. આદિત્ય કૌશિક કુમાર રાવલ, હું વલસાડ ગુજરાતથી છું. હું એડમિશન ઇંગ્લિશ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં લીધું અને હું ફર્સ્ટ યરમાં છું હમણાં.
ये ટીચિંગ સારું છે ને ફૂલ સિક્સ યર ઇંગ્લિશ કોર્સ છે બધા બાયલિંગલ કહે છે હું નથી ફૂલ ઇંગ્લિશ કોર્સ છે ટીચર્સ પણ સારા છે એકદમ ને હોસ્ટેલ ફેસિલિટી સારી છે ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું છે કોલેજનું ને બધું એટલે તમને કોઈ વાંધો ના આવે બાકી બધું ઓલ સેટ છે हेलो गाइस, मेरा नाम अर्ष यादव है, मैं हरियाणा से है। मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हॉस्टल बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स और यहाँ के पीपल्स हैं बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली है। टीचर्स हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है पढ़ाई से रिलेटेड, और अगर हमें हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम है तो हम अपने टीचर्स को बता सकते हैं। हॉस्टल में कमींदान है जिन्होंने अपना नंबर हमें दे रखा है ताकि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। सिर्फ हॉस्टल नहीं, अगर हमें कुछ बाहर प्रॉब्लम होती है किसी के साथ तो भी हम उन्हें बता सकते हैं। यहाँ पे हमें हमारे पास किचन प्रोवाइडेड है ताकि हम अपने कुछ स्नैक्स या फिर ब्रेकफास्ट बना सके, और मेस भी हमें दी गई है, उसमें हमें टाइम टू टाइम अपना खाना मिल जाता है, लंच और डिनर। लंच हमें 12 o'clock के आसपास मिल जाएगा और डिनर हमें मिलेगा 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में। और यूनिवर्सिटी यहाँ से हॉस्टल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे यूनिवर्सिटी है। तो अब हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। ये हमारा रूम है हॉस्टल का। इस पूरे एक रूम में हमारे पास 2 रूम अवेलेबल है, 1 3-सीटर है, 1 2-सीटर है। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे कवर्ड दिए गए हैं, और खाना खाने के लिए टेबल्स भी है, चेयर्स भी प्रोवाइड की जाएगी, बेड शीट और जो भी नेसेसरी आइटम है वो सारे कमीदान के पास से अवेलेबल कराए जाएंगे हमें। और ये हमारे पास दूसरा रूम है, ये रूम 2 सीटर है, इसमें 2 बेड अवेलेबल है, कबर्ड और जैसे यहाँ पे स्टडिंग टेबल और एक छोटी कबर्ड भी यहाँ पे सामान रखने के लिए। रूम के साथ एक सेपरेट बाथरूम और टॉयलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। You can see it very, very clearly. Now you can see, yes? And you can catch it very, very easily. You clean your skin. After that, you find your vena, a more convenient place for you, where you catch it exactly. Yes, and try to do your injection. It's a 45 degree. Okay. After that, you do it more horizontal. Okay. And try to see if you take a little blood, so you are in vein, inside vein, and your unlock your tourniquet. Okay, ask your patient to relax his palm and do your injection. After that, you
use this cotton ball, okay, quickly. Mm-hmm. And ask him to flex. Yeah, to close his arm for 3 or 4 minutes, okay? Try to do it now. No. Okay, you now you put your this finger, second finger here, then two fingers, and this is your place, water. And you push very deeply. It must be 7 or 8 millimeters. Seven or eight. Yes, and you do it very quickly, approximately 100 in 1 minute. Так, try to find a right place.